मैं इधर स्टार्ट में क्लिक करूंगा और बाद में मैं इस इधर नाम आपको नाम दूंगा कैनवास। तो आज हम इसमें इरेजर बनाने वाले हैं। तो अभी ये खुल चुका है, टाइटल विजिबल, और इस दोनों को मैं ऑफ कर दूंगा पहले। अभी सबसे पहले मैं इधर कैनवास रखूंगा कुछ ऐसे, और उसके नीचे मैं हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट का एक पुट करूंगा, और इसकी जो हाइट है वो और विड्थ है वो दोनों फिल पेरेंट कर दूंगा, और इसकी सिर्फ और सिर्फ विड्थ ही फिल पेरेंट करनी है। और इसका मैं बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ। हाँ, तो मुझे ये अच्छा लगा। और अभी मैं कुछ इधर तीन बटन को पुट करूँगा, 1, 2 और 3। तो पहले का होगा क्लियर, दूसरे बटन का होगा सेव, तीसरे बटन का होगा इरेजर, तो अभी मैं इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन और टेक्स्ट कलर वाइट कर देता हूँ। ऐसे मैं सभी में करूँगा। अभी इस तीनों बटन की विड्थ में फिल पेरेंट कर दूंगा। कुछ ऐसे अब हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट 1 में जाना है और इसको विजिबल ऑफ कर देना है, और इधर मैं एक और हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट लूंगा, इसकी विड्थ फिल पेरेंट करूंगा, बैकग्राउंड कलर भी मैं चेंज कर दूंगा। ओके, और इस इधर जो है ना वो मैं राइट करूंगा, अलाइन हॉरिजॉन्टल और अलाइन वर्टिकल में मैं सेंटर करूंगा, और इधर बाद में मैं यूजर इंटरफेस में जाऊंगा और इधर से एक बटन है ना वो इधर रख दूंगा, और ये इस तरफ आ गया। तो अभी मैं बटन 1 जो है वो क्लियर का है, तो मैं उसे सी दे क्लियर दे दूंगा नाम। बटन 2 जो है वो सेव का है, तो इस इधर सेव कर देंगे, और बटन 3 जो है वो इरेजर का है, तो वो इधर इरेजर दे देंगे। ओके, बटन 4 में मैं कुछ दूंगा सीधा, कुछ ऐसा, और इसकी टाइप टाइप जो है नहीं, इसकी जो शेप है वो राउंडेड रखूंगा। इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं रेड रखूंगा,
उसका टेक्स्ट कलर जो है वो मैं वाइट रखूंगा। ये जो है वो इसके हम ब्लॉक्स में जाएंगे। और अभी मैंने इसको खोल लिया है, और अभी पहले मैं कुछ क्लियर का करूंगा। तो व्हेन क्लियर डॉट क्लिक देन कैनवास वन क्लियर। एंड ऑल्सो व्हेन कैनवास वन डॉट ड्रैग देन यू हैव टू डू दिस कॉल कैनवास वन ड्रॉ लाइन टू दिस एंड दिस। ओके, तो अभी जो हमारा जो नॉर्मल है ना वो वाला बन चुका है। अभी मैं इसको थोड़ा और एडवांस पे ले जाऊंगा। तो ये है जो बटन 4 है, अभी मैं उसका कोडिंग करूंगा। तो पहले व्हेन बटन 4 डॉट क्लिक देन विजिबल सेट हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट टू विजिबल टू फॉल्स और इसकी मैंने कॉपी बना ली है। और लेकिन इधर मैं हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट 1 और इधर ट्रू कर दूंगा, यानी कि जो अभी जो ये वाला जो है वो विजिबल ऑफ हो जाएगा जब ये बटन 4 क्लिक होगा, और हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट विजिबल हो जाएगा। ओके, एंड ऑल्सो मुझे एक और इधर बटन पुट करना होगा, रखना होगा। ओके, और इधर भी मैं कुछ ऐसे 3 बना दूंगा। इसका बैकग्राउंड कलर रेड और टेक्स्ट कलर वाइट, शेप रेक्टेंगल, शेप राउंडेड। और अभी मैं हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को विजिबल ऑफ कर हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट 2 को विजिबल कर सकता हूँ। और अभी मैं बटन 5 की ब्लॉक कोडिंग करूँगा। तो पहले मैं इसकी कॉपी बनाऊँगा और बाद में मैं इसकी हॉरिजॉन्टल, पहले तो मैंने हॉरिजॉन्टल 2 की कॉपी बनाई और बाद में मैंने हॉरिजॉन्टल 1 की बनाई। और इधर जो है हॉरिजॉन्टल 1 जो है उसकी विजिबिलिटी को ऑफ होल्स, और हॉरिजॉन्टल 2 की विजिबिलिटी को ऑन कर डाला। यानी कि मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ क्या होगा। अगर कोई भी ये वाला जो बटन क्लिक करेगा ना तो ये वाला ऑफ हो जाएगा विजिबल, और ये वाला विजिबल हो जाएगा वापस से। ओके, तो अभी मैं इधर और एक कलर का लूंगा। नहीं, पहले अब हाँ तो पहले मैं कलर का ही लूंगा। कलर टैप कर डाला है मैंने इधर, और अभी मैं इसका कलर बैकग्राउंड कलर ग्रीन
और टेक्स्ट कलर वाइट कर दूंगा। ओके अभी मैंने इधर एक वर्टिकल अरेंजमेंट पुट किया है, इसकी हाइट और विड्थ दोनों फिल पैरेंट में कर दूंगा। और कैनवास जो है उसको मैं इधर, और ये जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट जो है उसको भी इसके अंदर। और अभी मैं हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट वन को विजिबल ऑफ करूँगा और हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट टू को विजिबल करूँगा ताकि ये भी इसके अंदर जा पाए। अभी मैं वर्टिकल अरेंजमेंट वन को ऑफ करूँगा। इधर एक और वर्टिकल अरेंजमेंट पुट करूँगा, इसकी हाइट और विड्थ दोनों फिल पैरेंट सेट करूँगा। पहले मैं इधर एक लेबल रखूंगा, तो इधर मैं बैकग्राउंड ओके इसका फॉन्ट साइज 20 कर दूंगा। इसका बैकग्राउंड कलर मैं लाइट ग्रीन, तो कस्टम में जाकर मैं ऐसा ऐसा वाला। अभी जो इसका टेक्स्ट कलर है वो वाइट होंगे। और अभी मैं लेआउट्स में जाकर इधर एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट पुट करूँगा और इसकी विड्थ जो है उसे फिल पैरेंट कर दूंगा। बाद में मैं इधर एक और लेबल रखूँगा, इसकी फ्रंट साइज वापस से 20 और इधर जो है वो पेन। कलर ओके और अभी इसका टेक्स्ट मैं वाइट कर दूंगा और मैं इधर एक और हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को पुट करूंगा। इसकी हाइट जिस जितनी है वैसी रखनी, इसकी विड्थ ही फिल पेरेंट करनी। तो हॉरिजॉन्टल अरेंज में 3 और 4 की सिर्फ और सिर्फ विद फिल पेरेंट करनी है हमें। इधर अभी मैं जो है चौदह बटन्स प्लेस पुट करूंगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। अभी ये जो सारे हमें दिख रहे बटन्स, उसका मुझे टेक्स्ट जो है वो कुछ भी नहीं रखना है। और इसका बैकग्राउंड कलर मैं ब्लैक से शुरू करूँगा, ब्लैक, ब्लू, सियान, डिफॉल्ट तो नहीं चल, तो एक तो इधर हमें 13 ही बटन लगाना है। मैंने गलती से एक ज्यादा लगा दिया।
ग्रे, ग्रे, ग्रीन, लाइट ग्रे, तो मजेंटा, और अभी ऑरेंज, पिंक, रेड, व्हाइट एंड येलो। अभी इसके जो टेक्स्ट है वो मुझे डिलीट कर देने हैं। आखिरी दो बचे हैं, उसको भी मैंने डिलीट कर डाला। अभी जैसे हमने इधर बैकग्राउंड का चूज किया ना, वैसे ही हमें पेन कलर में करना है, तो ये वाली प्रोसेस को मैं स्किप कर डालूँगा। ओके, अभी मैंने पेन कलर में भी कर डाला है, तो हाँ, तो अभी इसकी कोडिंग करता हूँ मैं। तो अभी मैं कुछ नीचे जाऊँगा और इधर जो ये है उसे खोल कर कुछ ऐसा करूंगा। वेन बटन 7 डॉट क्लिक देन कैनवास 1 2 पेंट कलर 2 बटन 7 डॉट नॉट अ टेक्स्ट कलर बट बैकग्राउंड कलर। ओके, तो ऐसे मैं सारे में बना लूंगा, 7 से लेकर 9 तक, यानी कि 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20। ओके, तो मैं मिलता हूँ आपको करने के बाद। मैंने अभी हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट 3 के लिए कर लिया है, और ऐसा मैंने नीचे हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट 4 के लिए भी कर लिया है। ओके, तो अभी मैं ब्लॉक्स में ही रहूंगा। ओके, तो अभी मैं शुरू करता हूँ इरेजर का काम। तो कलर व्हेन इरेजर डॉट क्लिक कैन डू व्हाट कैनवास पेंट कलर कैनवास 1 पेंट कलर 2 कैनवास नॉट कैनवास 1 पेंट कलर बट कैनवास 1 बैकग्राउंड कलर। ओके, एंड ऑल्सो हियर
पुटिंग दिस फर्स्ट लेबल एंड स्पिंडल कंपोजिशन टू जीरो मैक्स वैल्यू इज 100 एंड मिनी वैल्यू इज जीरो ओनली जीरो ओके एंड विद इज ऑल्सो फिल पेरेंट कलर राइट टू ग्रीन ओके इफ यू वांट चेंज दिस कलर देन यू कैन चेंज बट इफ यू डोंट हैव टू चेंज द कलर देन ऑल इट इज ऑल्सो ओके देन आई राइट हियर अ जीरो एंड फॉन्ट साइज टू 21 एंड टू सेंटर देन टेक्स्ट कलर इज वाइट ऑल्सो एंड नाउ गो टू द ब्लॉक्स एंड देन यू हैव टू ओपन वर्टिकल अरेंजमेंट टू एंड क्लिक हियर साइड स्पिंडल वेन साइड वन डॉट पोजिशन चेंज्ड देन वी हैव टू डू कैनवास वन नहीं नहीं वेट वेट तो मैं पहले कैनवास वन का जो ये लाइन विड्थ है वो 2.0 है तो मैं स्लाइडर का भी 2.0 ही रखूंगा ओके और इधर जो है ऑब्वियसली जो थंब पोजीशन बताता है उसको भी 2.0 ही रखूंगा। अभी ब्लॉक्स में जाएंगे और अभी कैनवास वन में जाकर सेट कैनवास वन डॉट लाइन विद टू थंब पोजिशन एंड ऑल्सो लेबल 3 डॉट टेक्स्ट टू का थंब सेट लेबल 3 डॉट टेक्स्ट टू थंब पोजिशन यानी कि जो हमारा ये वाला जो लेबल है उस जो वो थंब है थंब पोजिशन है उतना ही रहेगा और अभी इसको विजिबल ऑफ कर देता हूँ और नहीं इसको विजिबल ऑन रखना है धर्म में एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट पुट करूँगा विद दिस फिल पेरेंट दिस सेंटर एंड सेंटर बैकग्राउंड कलर टू ग्रीन पुट आई पुट हियर वन बटन एंड राइट इट हियर बैक ओके टू ग्रीन टेक्स्ट कलर टू व्हाइट गोइंग टू ब्लॉक्स आई चूज यू देन विजिबल ऑफ मीन्स
फॉल्स, कॉपी पेस्ट, वर्टिकल अरेंजमेंट वन, फॉल्स टू ट्रू। तो ये बन गई है हमारी ऐप। तो इसे मैं अभी चेक कर कर आप लोगों को दिखाता हूँ।